अरे मैं चार बीस डाल ले, तेरी बारी आई है। अरे बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। हमें करीब 9 साल हो गए हैं, अभी तक हमें कोई भी परमानेंट नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया। हर 4 महीने बाद रिन्यू का एक कूपन आता है, वो हमें रिन्यू किया जाता है बस। आप ये देखिए, पूरे देश भर में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसको मैं राजनीति ही कहूंगा ना। अगर हम किसी भी हालत में बीमार है या किसी ने बच्चा डिलीवर करा किसी लेडी ने, उसको विद इन 1 वीक मतलब उसको ज्वाइन करना पड़ता है, नहीं तो उसको ये लगता है कि शायद मैं इस सिस्टम में रहूंगी या नहीं रहूंगी। कई स्टेट में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हुआ है। आज जो एब्जॉर्प्शन का डिमांड कर रहे हैं, अगर इंटरव्यू करा करके उनको निकाल दिया जाएगा, इस हालात में कहाँ जाएंगे। स्वागत है, मैं रितु तोमर। और अभी जो ये प्रदर्शन चल रहा है, ये विरोध प्रदर्शन दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का है। तो बीते लगभग 1 हफ्ते से जो है इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल 28 अगस्त को डीयू प्रशासन की तरफ से एक पत्र जारी हुआ था, एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें जो डीयू प्रशासन है उसने विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को ये निर्देश जारी किए थे कि फिलहाल जो है वो एडहॉक जो टीचर्स हैं उनकी जो नियुक्तियाँ हैं उसको रोक लगा दें और गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियाँ करें। और डीयू प्रशासन के इसी फैसले के खिलाफ जो है बड़ी तादाद में जो है एडहॉक टीचर्स जो हैं वो डूटा के आह्वान पर जो सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि MHRD मिनिस्ट्री ने भी जो है शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन उनकी तरफ से भी आधिकारिक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। इन टीचर्स की तमाम तरह की मांगे हैं, जिसमें इनका एब्जॉर्प्शन यानी इनको स्थायी करना, डीयू वाइस चांसलर को हटाना समेत बहुत सारी चीजें शामिल है। आइए हम इन शिक्षकों से मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इनकी मांगे क्या। हम श्रद्धानंद कॉलेज से है, मैं पिछले यहाँ से 9 साल से पढ़ा रही हूँ और वैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन है बहुत सालों से, इतने साल हो गए हमारे लिए कोई नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ यही डिमांड करने आए कि हमें जल्दी से परमानेंट करो। सारी क्वालिफिकेशन हमारी पूरी है, सालों से हम पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कम से कम अब तक 9,000 बच्चों को डेवलप करके हमने नेशन की डेवलपमेंट लगा दिया है और अभी भी हमें यहाँ पे परमानेंट नहीं किया, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। बस हम ये है कि हम यहाँ पे जल्द से जल्द परमानेंट हो। 28 अगस्त को जो नोटिस डीयू प्रशासन ने जारी किया था, आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा सके क्या था उस नोटिस के अंदर? उस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि आगे की जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो गेस्ट लेक्चरर में भरी जाएंगी और उनको एडहॉक नहीं दिया जाएगा। एडहॉक में क्या होता है कि आपको जिस पोस्ट पे आप होते हैं उसकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो मिलती है, और जो गेस्ट लेक्चरशिप का मतलब है एक क्लास का 1500 रुपये मिलेगा, और उसमें भी ये कह दिया गया है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा एक महीने में, और उसमें भी TDS वगैरह कट के मिलेगा। तो उसकी स्थिति जो एडहॉक थी उससे भी नीचे कर दिया, वो ऐसा हो गया दिहाड़ी मजदूर। शिक्षा व्यवस्था को दिहाड़ी शिक्षक के आधार पर ये चलाना चाहते हैं हिंदुस्तान की उच्च शिक्षा को, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। और ये पॉलिसी जो बदल रहे हैं जिसमें सरकार शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए धन मुहैया करती थी, उस पॉलिसी से हट रहे हैं और जनता को प्राइवेट जो माफिया है शिक्षा का और स्वास्थ्य का उसके हवाले कर रहे हैं। उन गेस्ट टीचर से पूछिए कि क्या उनको कभी मैटरनिटी मिला है, क्या उनका बच्चा जब हॉस्पिटल में एडमिट था कॉलेज वालों ने कोऑपरेट किया है? यहाँ मैटरनिटी में सिजेरियन में 10 दिन के बच्चे को मैं घर छोड़कर अपना लेटर कलेक्ट करने आई हूँ। अगर रावत सर ना होते तो मुझे लेटर भी ना मिलता, अगर डूटा ना होता तो मुझे 10 दिन के बच्चे को घर पर छोड़कर आना पड़ता, क्योंकि परमानेंट की डिलीवरी डिलीवरी है लेकिन एडहॉक की डिलीवरी डिलीवरी नहीं है, उसका सी सेक्शन नहीं है। मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पिछले 8 सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन DU के सिस्टम में पिछले 12 सालों से। हर 4 महीने के बाद हमें एक नया लेटर मिलता है, जिसके मिलने में हमेशा हमें डर रहता है कि वो लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ना तो हमारे लिए कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना हमारे लिए कोई लीव का प्रोविज़न है। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को जॉब की है, लेकिन हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा हो चुका है इस सिस्टम में कि हमसे सारे काम, इन्विजिलेशन ड्यूटीज़, पेपर चेकिंग, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें जॉब के लिए कुछ भी नहीं पता। पिछले 12-15 साल लोगों को देने के बाद जो 45 क्रॉस कर चुके हैं या 40 क्रॉस हो गए, जिनके लिए जॉब का आगे कोई कुछ उनको नहीं पता कि अब हम यहाँ
से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे। लोगों ने बाहर से आके, दूसरी स्टेट से आके सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, लोगों ने यहाँ लोन पे घर ले लिए, उनकी ईएमआई कैसे जाएगी, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरा नवंबर का महीना जब हमने जॉब कर ली और 1 दिसंबर को जब हमारी सैलरी क्रेडिट हुई, देन वी केम टू नो कि हम लोग तो 19 नवम्बर से अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, कम से कम यहाँ पर 5,000 जो टीचर हैं वो एडहॉक सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, और हमारी डिमांड जो है वो डिमांड ये है कि ये 5,000 टीचर्स जो हैं इनका नंबर जो है इस सरकार ने या पिछली सरकारों ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने वाइस चांसलर्स ने बनाया है, क्योंकि हमारे रूल रेगुलेशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन में साफ तौर से किया गया है, लिखा गया है कि एक सेमेस्टर के अलावा अगर आपको ज़्यादा समय के लिए किसी टीचर की ज़रूरत है तो आप उसे टेम्परेरी स्टेटस दीजिए। टेम्परेरी स्टेटस में सभी फाइनेंशियल और बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उसकी सर्विस जो है परमानेंट नहीं होती है। तो यहाँ अगर 20 साल से 25 साल से अगर इंटरव्यू नहीं होता है, 15 साल से इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर एक बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम एज को कवर कर लेते हैं, 65 ईयर कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनका परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये सरकारों की अकाउंटेबिलिटी है, वाइस चांसलर्स की अकाउंटेबिलिटी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है वो है समायोजन। 5,000 शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय के कदार्थ हैं और बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, इंटरव्यूज़ नहीं हुए और उनकी संख्या बढ़ गई है। अब लगातार सरकार किसी न किसी बहाने उनको रोड पर लाना चाहती है। अभी वो उनका प्रयास विफल हुआ, 28 अगस्त की चिट्ठी के जरिए वो रोड पर लाना चाहते थे, तो उसको उसका तो हम लोगों ने डट के मुकाबला किया, इन लोगों ने डट के मुकाबला किया। अब हम असली लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए हैं, उनका समायोजन हर हाल में हो, तभी हम यहाँ से हटेंगे। अभी 4 मंथ हमारा लेटर रिन्यू होता है, जिसके लिए टीचर इंचार्ज, प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी हमारा अप्रूवल करती है, ये कह के कि इनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत हो रही है हमें परमानेंट करने में? पिछले 5-6 सालों में बिल्कुल 0 अपॉइंटमेंट रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो कभी मना नहीं किया, आप अपॉइंटमेंट करके हमसे कर दो, लेकिन आज की डेट में ऐसी पोजीशन हो गई है कि अपॉइंटमेंट के थ्रू आप 4,500 टीचर्स को किसी तरह से अपॉइंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक कॉलेज में अगर एक डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होता है तो 4 दिन लगते हैं। 60 कॉलेज हैं और 10 डिपार्टमेंट हर कॉलेज में हैं, तो आप लगा लीजिए 5 साल मिनिमम लगेंगे इन सबको अगर रेगुलर अपॉइंट किया, और रेगुलर अपॉइंटमेंट होते नहीं हैं। कभी VC चेंज हो जाता है, कभी MHRD बदल जाती है, कभी प्रिंसिपल बदल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें किसी तरह की राजनीति हो रही है DU प्रशासन? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए पूरे देश भर में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसको मैं राजनीति ही कहूँगा ना। देखिए, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 5,000 टीचर्स जो है वो एडहॉक बेसिस पे सालों से पढ़ा रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जो लंबे समय से वो लोग पढ़ाते जा रहे हैं उनको ना कोई इंक्रीमेंट है, ना कोई मैटरनिटी लीव है हमारे महिला साथियों को। इन परिस्थितियों में वो इस यूनिवर्सिटी को लंबे समय तक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उन साथियों को आज हमारा मानना यह है कि नॉर्मल प्रोसेस से परमानेंट नहीं किया जा सकता है। इस पूरे दौरान में रूल्स रेगुलेशंस का बार बार बदलाव किया गया, रिजर्वेशन रोस्टर्स में बदलाव आते रहे हैं, तो आज उनके लिए स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। दूसरी बात, आप अगर देखिए इतने समय में पढ़ाते हुए जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसके आधार पर ही उनको कंटिन्यूटी मिलती रही है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी पिछले पहले एक ऑर्डिनेंस के द्वारा लोगों को अस्थाई किया गया था, परमानेंट किया गया था। कई स्टेट में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हुआ है। आज के दिन में सबसे मुख्य डिमांड यही है, जो लगभग 4,500 एडहॉक टीचर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं उनको एक वन टाइम रेगुलेशन दे के सरकार इनको परमानेंट बनाए, एब्जॉर्ब करे सिस्टम में, यही मुख्य डिमांड है। उसके साथ साथ हमारे पेंशन के मुद्दे हैं, क्योंकि जो जो पेंशन मिलने वाले थे सीनियर लोग उनको आज के दिन में कोर्ट में जाके SLP डाल के
सरकार ने उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, स्टेपिंग अप के इश्यूज हैं, प्रमोशन के इश्यूज हैं। बट आज हमारे मुख्य डिमांड जरूर ये है कि जो 4,500 टीचर दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए, परमानेंट बनाया जाए और एब्जॉर्ब किए करें। तो वीसी को लेकर जो हटाने की मांग है, कुछ तो कारण रहे होंगे कि उनको आप हटाने की मांग कर रहे हैं। पूरा इनएफिशिएंट काम कर रहे हैं, जो सोचिए कि सालों साल से अपॉइंटमेंट पड़ा हुआ है, प्रमोशन पड़े हुए हैं, पेंशन के फाइल्स पूरा ढेर लगे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसीलिए हमारा डिमांड था मुख्यतः, पर उसके ऊपर सरकार अभी तक इस लास्ट 6-8 महीने में कुछ नहीं किया। एब्जॉर्प्शन की जो मांग, बहुत सारे स्टाफ एसोसिएशन करेंगे, समझाएंगे दर्शकों, बहुत सारे एसोसिएशन 2007 में यूजीसी दिल्ली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गाइडलाइन के तहत इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, उससे पहले से लोग काम कर रहे हैं, वो तमाम क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं जो यूजीसी का प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, और इनका कोई कसूर नहीं है कि आज तक वो उनका नहीं हो पाया। ये उनका यूनिवर्सिटी का जो नियम में भी था कि 4 महीना के अगर आपका पोस्ट खाली रहती है तो उनको इंटरव्यू कराना होगा, तो यहाँ पर एडहॉक टीचर का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का फेल्योर है। तो ऐसे हालात में जो लोग काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं उन सभी का परमानेंटली अब्जॉर्ब किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 बार हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो चुका है और पंजाब में हो चुका है, ऐसे में हिंदुस्तान में कई जगह उत्तर प्रदेश में हो चुका है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। दे हैव द क्वालिफिकेशन, दे हैव कम थ्रू एज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी एज पर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल गाइडलाइंस। तो ऐसे हालात में हम आज जो एब्जॉर्प्शन का डिमांड कर रहे हैं, अगर इंटरव्यू करा करके उनको निकाल दिया जाएगा, इस हालात में कहां जाएंगे वो, बेघर हो जाएंगे, उनका रोजी रोटी का समस्या बनेगा। हम लोगों का मांग है उनको परमानेंटली अब्जॉर्ब किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, जैसे बहुत सारा स्टेट्स में हुआ, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 बार हुआ है, और ये एक निर्णायक लड़ाई है, हम उसको हासिल करके ही रहेंगे। 28 अगस्त के लेटर, एनएपी की पॉलिसी, इन सब के जरिए जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम टीचिंग में लाया जा रहा है, उसी का एक उदाहरण था कि 28 अगस्त के लेटर से सारे एडहॉक को निकाल करके गेस्ट करने की साजिश हो गई, इसलिए हमारा इतना बड़ा आंदोलन हुआ। एचआरडी कह रही है कि हमने अब आपको वापस एडहॉक की पोस्ट दे दी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा आक्रोश इतने दिनों बाद जब एकजुट हुआ है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन इस प्रॉब्लम की चाह रहा है, वो परमानेंट सोल्यूशन परमानेंट अपॉइंटमेंट है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि एडहॉक टीचर्स की मांग है कि इन्हें जो है परमानेंट किया जाए, इसके अलावा पेंशन भत्ते और महिलाओं को जो सुविधा जो केंद्रीय कर्मचारी को मिलती है, जो महिलाओं को महिला शिक्षकों को नहीं मिलती है, वो भी महिला टीचरों को मिले, तो इनकी मांगे हैं। और इन्हीं मांगों के साथ जो है ये टीचर्स जो है, ये एडहॉक टीचर्स जो है वो उतरे हैं सड़कों पर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।